Hello, student. I think all of you are well at your home and doing your work properly, huh? And doing the homework properly. If there is any problem, you can ask. Or मम्मी लोगों से खास तौर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस, क्योंकि आप लोग भी तो कहते थे मैम हमें समझ में नहीं आ रहा. आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल, ओके, सम ऑफ द पेरेंट्स, ओके. तो मैम समझ में नहीं आता कैसे पढ़ाए बच्चे को, हाँ. तो इस वीडियो को आप देखकर कुछ तो सीख ही सकते हैं कि कैसे इंग्लिश छोटे छोटे वर्ड्स को कैसे इंग्लिश में बोला जाता है, हाँ. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और बच्चे अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो हल्के फुल्के जो आपको जो थोड़े से प्रॉब्लम देती हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, आप पूछ भी सकती हैं, हाँ. सो शैल वी स्टार्ट नाउ. इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसके बारे में हम बात कर रहे थे. ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है? जैसे कि हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं ना सीढ़ी से ऊपर, तो सीढ़ी से जब हम ऊपर जाते हैं तो वो हो गए इंक्रीजिंग फॉर्म. ये हमेशा याद रखिएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है. ये इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन यह मिस्टेक हो जाता है. इंक्रीजिंग मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इंक्रीज, और डिक्रीज का मतलब ऊपर से हम नीचे आते हैं, ओके. इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग. एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग. एसेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना. अब कैसे करते हैं? सो लेट मी राइट अ क्वेश्चन. सो सी आई हैव रिटन द क्वेश्चन. Write the number in increasing form. Write the number in increasing form order. Okay. So your number is given 9, 6, 16, 9, 24, 10, and 36. So in increasing order. Again, increasing means हमें छोटे से बड़ा, बढ़ते हुए. पहले छोटा रहते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, हम बढ़ते हैं, ठीक है. वैसे ही अगर हमें छत पे जाना हो सो आई विल यूज द फर्स्ट स्टेप, आफ्टर दैट सेकंड, आफ्टर दैट थर्ड. तो वैसे ही ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो हाउ वी हैव टू राइट, फर्स्ट वी हैव टू राइट द स्मॉल वन. विच वन इज द स्मॉल? यस, दिस वन, 9. सो वी विल राइट 9. एंड आफ्टर दैट, इसके बाद कौन सा है छोटा? 10. वेरी गुड. एंड आफ्टर दैट 16. आफ्टर दैट 24. एंड आफ्टर दैट 36. सो यू कैन सी हियर इट इज गिवन zigzag. सो फर्स्ट स्मॉल, आफ्टर दैट इंक्रीजेस, द नंबर विल इंक्रीज, ओके. So this is known as increasing order. Here number 175, 157, 751, 500, 517, and 610. So here what I have to write, which one is the smallest? 157. So I will write here 157. After that, which number will come? 175. Okay, and after that 517. After that 610. After that 751. So you can see the number is increasing. It means 157, 175, 517, 610, 751. So this is known as increasing order. जो बढ़ते हुए क्रम में होते हैं उसे कहा जाता है increasing order. ठीक है, अब हम आते हैं decreasing.
ऑर्डर किसको कहा जाता है और कैसे लिखते हैं? इट इज वेरी सिंपल, डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, द सेम थिंग. डिक्रीजिंग हो या डिसेंडिंग, नो नीड टू कंफ्यूज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. डिक्रीजिंग लिखे या डिसेंडिंग लिखे, सेम मीनिंग इज सेम एंड द मेथड इज ऑल्सो द सेम. यू हैव डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू हैव टू राइट द बिगेस्ट वन, इसमें सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा एकदम लास्ट में द स्मॉलेस्ट वन. ओके, सो बिफोर द सेम नंबर वी हैव यूजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक, हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए थे. नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द सेम नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले विच वन इज द बिगेस्ट नंबर, विच वन इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? यस यस, वेरी गुड, 36. आफ्टर दैट 24, वेरी गुड. आफ्टर दैट 16, आफ्टर दैट 10, आफ्टर दैट 9, वेरी गुड. नाउ द सेम थिंग, यर नंबर इज गिवन zigzag, सो वी हैव टू अरेंज दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक, अब हम इसमें सबसे बड़ा नंबर, वी विल फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर. इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये हमें देखना है फर्स्ट. अब इसमें हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको. सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वन, हियर ऑल्सो वन, हियर इज 7, इट मीन्स दिस वन इज द लार्जेस्ट नंबर. यहाँ पे सब छोटे हैं, सो वी विल टेक दिस वन. कैसे हमें लार्जेस्ट निकालना है? ठीक, सो वी विल टेक दिस वन, 751. ओके, फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर, सो वी विल सी द फर्स्ट नंबर विच इज द बिगेस्ट, कौन बड़ा है, आग बंद करके उसे निकाल देंगे. नाउ उसके बाद और कौन है? दिस वन, 610. एंड आफ्टर दैट वी कैन सी 517, इज़न्ट इट, 765. आफ्टर दैट वी कैन सी हियर इज ऑल्सो वन एंड हियर इज ऑल्सो वन, यहां पे भी वन है और यहां पे भी वन है. अब हमें सेकेंड नंबर में देखना है, अगर फर्स्ट नंबर सेम है तो सेकेंड नंबर में जो लार्जेस्ट रहेगा उसे लिखेंगे. सो दिस वन इज द लार्जेस्ट, ये बड़ा है, 7 है, सो 175. ठीक, एंड आफ्टर द 157. सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.